हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 1000 स्क्वायर फीट स्लैब कास्टिंग में मटेरियल कितना लगेगा, मटेरियल का कैलकुलेशन और उसकी खर्चे हम बताएंगे कि 1000 स्क्वायर फीट यानी 20 फीट बाई 50 फीट हमारे पास एक प्लॉट है, यानी ए 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। उसमें हम आप प्लाईवुड, स्टील और सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट कितना लगेगा उसका कैलकुलेशन एंड उसका खर्चा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम प्लाईवुड की बात करेंगे। प्लाईवुड का मार्केट में जो साइज़ है 2440 mm बाई 1220 mm, यानी ये फिट में 8 फिट बाई 4 फिट का है। तो 1000 स्क्वायर फिट एरिया को कवर करने के लिए 32 यानी 32 पीस नंबर्स ऑफ प्लाई, फुल प्लाई आपको लगेगा 1000 स्क्वायर फिट एरिया को कवर करने के लिए। जो मार्केट में एक प्लाई का रेट 1000 से लेकर 2000 तक एक प्लाई का रेट है, तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया कवर करने के लिए नंबर ऑफ प्लाई 32 फुल प्लाई। उसके बाद हम बात करेंगे स्टील कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट स्लैब कवर करने के लिए स्टील कितना लगेगा। तो हम आपको बताएंगे कि हमने 20 फीट को मीटर में चेंज किया 6.09 मीटर और 50 फीट को हमने 15.5 मीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि स्टील जो है 12 मीटर की लेंथ की आती है और स्टील का कैलकुलेशन हम आपको BBS में बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है। हम यहाँ 10 mm सरिया यानी स्टील यूज करेंगे, उसकी स्पेसिंग 150 mm या इंच में 6 इंची सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा। तो हम छोटे लेंथ की बात करते हैं तो 103 नंबर्स ऑफ स्टील 6.09 मीटर कटिंग लेंथ है हमारी। इसका कैलकुलेशन हमने निकाल लिया, 10 mm सरिया 1 मीटर का 0.61 kg होता है, नंबर्स ऑफ 13 और लेंथ इतनी है यानी 383 kg आ गया आपका। अब लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग लेंथ यानी 50 फीट वाली, यानी इसको मीटर में 15.3 यानी नंबर्स ऑफ बार जो है ना 42 आवर्स आ गया। 15.3 इंटू 1 मीटर में 0.61 kg होता है स्टील का वेट 10 mm की, तो नंबर ऑफ बार्स 42 और लेंथ इतनी और वेट इतना, हमारा 392 यानी लॉन्ग वाला स्टील हमारा आ गया 392 और 383 यानी वेस्टेज के साथ 800 kg स्टील यूज हो रहा है 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए 4 इंची और डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर 150 mm। उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे हमारा कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है। उसके बाद सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट यानी सीमेंट, बालू और गिट्टी, बजरी के बारे में बात करेंगे। हम 1000 स्क्वायर फीट घर कास्टिंग करने के लिए हमने जो ग्रेड लिया है M20 ग्रेड यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा M20 ग्रेड का रेशियो है 1:1.5 and 3। हमने स्लैब का थिकनेस 110 mm लिया है, जिसका कैलकुलेशन 1000 स्क्वायर फीट को हमने क्यूबिक में लिया तो 8.808 क्यूबिक मीटर
कंक्रीट निकल के आ गया कि 1000 स्क्वायर फीट घर में इतना क्यूबिक कंक्रीट लगेगा। तो इस रेशियो से हमने निकाला कि सीमेंट, 1 क्यूबिक सीमेंट में 8 बैग सीमेंट यूज हो रहा है। उसी कैलकुलेशन रेशियो से हमने सेंड निकाल लिया, 1 क्यूबिक में 15 CFT यानी क्यूबिक फीट सेंड यूज हो रहा है। एग्रीगेट की बात करते हैं तो 30 CFT यानी क्यूबिक फीट आप हमारा 1 क्यूबिक में एग्रीगेट यूज हो रहा है। तो हमने सीमेंट को निकाल लिया, हमारा क्यूबिक मीटर 8.08 × 8 बैग 65 बैग लग रहा है। सेम उसी तरह सेंड का हमने निकाल लिया, 8.08 × 15 क्यूबिक फीट यानी 120 क्यूबिक फीट लग रहा है। उसी तरह हम एग्रीगेट का निकाल लिए, 8.08 × 30 बिकॉज 1 क्यूबिक मीटर में 30 CFT आ रहा है यानी 243 CFT क्यूबिक फीट हमारा एग्रीगेट लग रहा है 1000 स्क्वायर फीट कास्टिंग करने के लिए। हम 1000 स्क्वायर फीट कास्टिंग करने के लिए हमने कैलकुलेशन बता दिया, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, सीमेंट, स्टील, सैंड, एग्रीगेट एंड प्लाई। हमारा सीमेंट लग रहा है 65 बैग, मार्केट में अच्छे क्वालिटी का रेट हमारा है, आपका रेट जो होगा वो रेट यहाँ लेके कैलकुलेशन करिए, 65 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। स्टील 800 kg लग रहा है, हमारे यहाँ 60 रुपीज़ से 65 है स्टील का रेट, आपके यहाँ जो रेट रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48,000 का स्टील लग रहा है। सेंड का लग रहा है आपका 7,900, हमारे यहाँ सेंड 65 रुपीज़ है। उसके बाद एग्रीगेट हमारा 90 to 95 है यानी 20,085 रुपीज़ लग रहा है। और प्लाईवुड हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर लेके आता है तो वो स्क्वायर फीट में 32 to 40 स्क्वायर फीट हमारा छत की ढलाई हमारे एरिया में करता है, और आपके एरिया में कैसे करता है उस हिसाब से अपना रेट ले लीजिएगा। और रेट आप लोगों को मार्केट के हिसाब से बताया हूँ, 2024 में जो रेट है मैं आप लोगों को उस हिसाब से बताया हूँ। अब ये M20 कैसे इसका ग्रेड है, कैसे कैलकुलेशन की है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में BBS और इसका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का कैलकुलेशन बताएंगे कि 1 क्यूबिक मीटर में सीमेंट 8 बैग कैसे आया, सेंड 15 CFT कैसे आया, 30 CFT एग्रीगेट कैसे आया, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, और जो भी कमेंट है आप मेरे कमेंट में बताइएगा कि आपके एरिया में कैसे काम होता है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि BBS और सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं।